हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में ये किस तरीके से कौन से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमें दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब एक नेगेटिव कैंडल बन गया। हमने एक्सपेक्ट किया था एक इनसाइड कैंडल बनेगा। बहरहाल, हमने जो लेवल्स यहाँ पे मेंशन किए थे उसी लेवल्स के आसपास इस वीक की हमें सॉरी जुकाम हो गया, तो इसलिए मेरा गला थोड़ा भरा हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे क्लोजिंग जो है उसी लेवल के आसपास, मतलब 3350 के आसपास मिला है, जो कि बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं सही लेवल है, क्योंकि इसके बाद जो सपोर्ट है एक तरीके का पूरा सपोर्ट जोन है। तो इसके बीच में हो सकता है थोड़ा सा रुकावट सपोर्ट हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। लगभग 3266 तक ये नीचे आ सकता है, अगर ऊपर से नीचे आता है तो, एंड उसके बाद फिर से इसी तरीके से ऊपर जा सकता है। तो हो सकता है 1-2 वीक में ये 3266-65 के आसपास आए, एंड उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि जो नेगेटिव कैंडल बना है वो थोड़ा स्ट्रांग कैंडल हम लोग को नजर आ रहा है। तो अभी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो चार्ट जूम आउट करेंगे तो हम लोग को ऊपर जाने का कहीं भी मौका नहीं दिख रहा है। हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग को कोई यहाँ पे मौका दिखे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव दिख रहा है। तो अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो क्या, फिर अगर ये अपना लो ब्रेक करेगा तो फिर 3200 सॉरी 3320 तक का हम लोग को एक यहाँ पे नीचे 30 रुपीज और नीचे एक फॉल देखने को मिल सकता है। अगेन एक सपोर्ट का ये काम करेगा, क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा है, इतना ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इतनी तेजी से इसको नीचे नहीं गिरना चाहिए। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज बनाने के बाद फिर से अगर नीचे गिरता है, एम पैटर्न बना के नीचे गिरता है, मतलब बायर्स पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश कर लें, उसके बाद अगर बायर्स यहाँ पे डिफीट होते हैं और सेलर्स यहाँ पे विन करते हैं, तो थोड़ा तेजी से नीचे गिरेगा और हमारे नीचे वाले लेवल्स को ये दिखाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। फिलहाल अगर नेक्स्ट वीक में ही अगर यहाँ पे नीचे की ओर आता है तो बहुत ज्यादा नीचे गिरने की प्रॉबिलिटी इसकी थोड़ी कम रहेगी। पहले तो इसको इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट मिल जाएगा, 3340 के आसपास, एंड उसके बाद अगेन 3266-70 के आसपास इसको सपोर्ट मिलने की हाई प्रॉबिलिटी रहेगी। अब हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी हम लोग को यहाँ से पता नहीं चल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट जूम आउट करेंगे तो हम लोग को एक चीज पता चलेगी कि अभी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है एक तरीके का सपोर्ट लेवल है। पहला सपोर्ट लेवल ये था, ठीक है, गैप डाउन की वजह से यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन सेलिंग में हम लोग को कोई भी स्ट्रांगनेस नहीं नजर आ रही है। जो बाइंग के कैंडल थे बहुत ही स्ट्रांग थे और बहुत ही अच्छे कैंडल बन रहे थे, लेकिन जो सेलिंग साइड कैंडल बन रहा है बहुत ही छोटे 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 कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, और सारे इंडिसेस कैंडल है। बहुत दिन तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद जाके उसने अपने ओपनिंग के आसपास ईस्ट क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो सेलिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर अगेन नहीं है, लेकिन सारे के सारे यहाँ पे निगेटिव कैंडल बने हैं। तो अगर यहाँ पे जो लास्ट आज का जो कैंडल बना है, ठीक है, अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है यहाँ पे, तो इसके क्लोजिंग के साथ SL के साथ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब 25-20% क्वांटिटी में आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगेन क्वांटिटी यहाँ पे कम रखिएगा। अगर आप 100 रुपीज का रिस्क लेते हो तो 20 रुपीज के आसपास का ही रिस्क लीजिएगा, राइट, ताकि अगर यहाँ से ऊपर क्यों निकले तो हम लोग को बाद में पछतावा ना हो, हमने पैसे नहीं बनाए, ठीक है। कुछ ना कुछ एटलीस्ट हम लोग पैसा बना के जाए, और अगर SL हिट होता है तो हम लोगों को पता है ये नीचे जाने वाला है, तो 20% ही क्वांटिटी में हमारा SL हिट होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस चीजों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अगर लास्ट कैंडल देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कहीं से ज्यादा है लास्ट कैंडल से। तो अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो मुझे लगता है एक बाइंग का अच्छा कैंडल बनने देना चाहिए, उसके बाद फिर से अगर बायर्स डिफीट होते हैं तो ये नीचे आएगा, तो हम लोग को अच्छे से नीचे वाले लेवल दिखा पाएगा। अगेन जैसा कि अभी हमने यहाँ पे लेवल्स डिस्कस किए, ठीक है, ये वाले लेवल्स जैसे हमने डिस्कस किए हैं 3320, ये एक सपोर्ट जोन का हमारे लिए काम कर सकता है, क्योंकि जो बाइंग हैपनिंग हुई है इस कैंडल से स्ट्रांगली हुई है और यहाँ पे होल्ड किया, फिर से ऊपर गया है। जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो इन्हीं कैंडल के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पे फिर बायर्स ट्राई करेंगे, और उसके बाद अगर यहाँ पे बायर्स फेल होते हैं, कोई रेंज बनाता है, तो यहाँ पे हम लोग को नीचे वाले लेवल्स जैसा कि 3265 के आसपास का लेवल है, ये पूरा का पूरा जोन होगा हमारे लिए, एक टारगेट की तरह काम करेगा 10-20 रुपीज से, जो कि 3240-50 से लेके 3260 के आसपास का ये पूरा का पूरा रेंज है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगेन तब तक बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी होगी, फिर से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है 30-50% का एक पुल बैक, एंड उसके बाद अगर यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो नीचे जाएगा, अदरवाइज W टाइप पैटर्न बना के फिर से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसकी प्लानिंग रखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड मंडे के लिए अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट देख लेते हैं।
तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, आज के दिन बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग हुई है, नो डाउट। पहला बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की, फिर से ब्रेक डाउन हुआ, तो जिन लोगों ने इसको प्ले किया होगा उसको अच्छे पैसे मिले होंगे। और फिर से इसी तरह का एक यहाँ पे होल्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे छोटा होल्ड है क्योंकि छोटा सपोर्ट होगा, यहाँ पे बड़ा होल्ड है क्योंकि यहाँ पे बड़ा सपोर्ट होगा। सपोर्ट बड़ा छोटा कैसा है अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, इन लेवल्स के पास फर्स्ट टाइम आ रहा है क्योंकि एक ब्रेकआउट लेवल है, ऊपर से जब नीचे गिर रहा था तो ये ब्रेकआउट लेवल है, तो इन लेवल्स के आसपास इसका सपोर्ट लेना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्लस ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है इसके सपोर्ट लेने की। तो इन सपोर्ट को जिसने प्ले किया होगा थोड़े से पैसे बनाए होंगे, और यहाँ से अब ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाता है, एक रेंज बना के जब ऊपर की ओर निकलता है तो फिर से हम इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे, और एटलीस्ट 3340 के आसपास, 3338 के आसपास ये जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, एक पुल बैक यहाँ पे पेंडिंग है, जब भी पुल बैक मिल जाएगा उसके बाद फिर से बायर सेलर्स ट्राई करेंगे ऊपर या नीचे ले जाने का, और जिस ओर भी ये निकलेगा उस ओर हम लोग ट्रेड लेंगे। सिंपल, आप बोलेंगे दोनों ओर का किस लिए बताते हैं, देखिए मैं कंडीशंस यहाँ बताता हूँ, और वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम लोग उस ओर का ट्रांजेक्शन करेंगे, अदरवाइज हम लोग इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रखी है। तो लेवल्स एंड टारगेट ये अगर हम लोग बात करेंगे तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे का लेवल रखते हैं 3275, ठीक है। इस कैंडल का अगर लो हम लोग चेक करेंगे तो 3276 का है, तो 3275 एक राउंड लेवल है। अगर ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है 3274 का लेवल रखते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम लोग नीचे की ओर जो टारगेट देखेंगे, अगेन नीचे में बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं देने वाला हूँ, 3260 का पहला टारगेट और आखिरी टारगेट होगा, क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है और इस सपोर्ट के पास पहली बार आया, तो हो सकता है इन्हीं लेवल से एक बार बाइंग हैपनिंग होगी। इसमें ऊपर की ओर बातें करेंगे आप, तो ऊपर की ओर लगभग लगभग इस लेवल को आप निकल जाने दीजिए, ठीक है, 3307 को, 3307 अगर यहाँ से निकालता है तो पहला टारगेट हम लोग को 3316 का रखना चाहिए, एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पर रखेंगे वो रखेंगे 3217 के आसपास। तो इस तरीके से कल मंडे सेशन में अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स टारगेट दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम।